स्पॉन्सर्ड बाय बीआरसी छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। दरोगा ने पत्रकार से की अभद्रता, पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, दरोगा का ट्रांसफर। आज प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार प्रकाश जोशी समाचार संकलन के लिए लाल कुआ कोतवाली पहुंचे, जहां उप निरीक्षक मुनवर हुसैन ने किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद दरोगा द्वारा पत्रकार से अभद्रता करते हुए धक्का देकर कोतवाली से बाहर निकाला गया। जिसकी जानकारी जब लाल कुआ के पत्रकारों को लगी तो सभी पत्रकार कोतवाली पहुंच गए और दरोगा को हटाए जाने की मांग करते हुए कोतवाली परिसर में दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। जिसके बाद कोतवाली में चल रहे पत्रकारों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए पहुंचे बिंदु खता प्रेस क्लब अध्यक्ष, हल्दू चोट प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित कई जनप्रतिनिधियों ने धरने का समर्थन देते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। घंटों चले प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह ने पत्रकारों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पत्रकारों ने कार्यवाही की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही मामला बढ़ता देख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने आरोपी दरोगा को लालकुआ कोतवाली से हटाने के आदेश देते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद पत्रकार शांत हुए और धरना समाप्त किया। नवभारत समाचार लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में भी सब पत्रकार एकजुट हो रहे हैं और इस आंदोलन को हम पूरे प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग अनिश्चित काल तक यहीं बैठे रहेंगे। यहीं जिस प्रकार से हम लोगों ने भाई भरत शाह जी के आंदोलन में वहीं पे गद्दे पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। दोस्तों ये बड़े दुख का विषय है कि जिस पुलिस को जो पुलिस हमसे हमेशा सहयोग की बात करती है, हम जिस पुलिस से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जब हमारा एक पत्रकार किसी बात की जानकारी लेने, किसी मामले की जानकारी लेने कोतवाली में जाता है तो कोतवाली का एक दबंग दरोगा हमारे वरिष्ठ पत्रकार को धक्के मार के बाहर निकालता है जैसे वो कोई गाय बैल भैंस हो। दोस्तों आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि हम लोग इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे, इसी तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहेगा तो हम लोग का पत्रकारिता करना संभव नहीं हो पाएगा। प्रकाश जोशी जी का एक उपेक्षक के साथ इसे विवाद हुआ, क्योंकि ये घटनाक्रम थाना परिसर के अंदर का था, इसलिए बहुत आपत्तिजनक था। इस बात की गंभीरता को उच्च अधिकारियों के द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया और पत्रकार संघ के ज्ञापन के अनुरूप जो है आरोपी उप निरीक्षक को फिलहाल लालकुआ कोतवाली से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है और इसमें अंतिम रूप से जाँच के बाद